अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। याददाश्त जाने लगी है आपकी, बूढ़े होने लगे हैं आप, खुद को बदलिए आप, वरना ऐसी लाठी लेके चलना पड़ेगा। तुमको याद है इधर ही 2005 में तुमने वैलेंटाइन डे का पार्टी दिया था, पहली बार मैंने तुमको देखा। अच्छा? हाँ, उस वक्त तुम बहुत अच्छा हुआ करता था। वैलेंटाइन का पहला डांस तो रोनी और निशा को ही करना मांगता है। थैंक यू गाइस। चलो मैन, इंग्लिश गाना बहुत हो गया, अभी एक हिंदी गाना हो जाए, एकदम मसालेदार हिंदी गाना। ओके, रेडी? रोनी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अगर तुमने ऐसे डाउन मार्केट म्यूजिक में डांस करना है तो अकेली करो, मैं जाती है। निशा, मेरी बात तो सुनो। निशा, अगर तुम्हें ये गाना पसंद नहीं है तो मैं कोई और हिंदी गाना बजाऊं। For God's sake, Ronnie, all Hindi music is down market. मैं तो कहती हूँ हिंदी लैंग्वेज इज ओनली। करेक्शन मैडम, अगर तुम्हें हिंदी लैंग्वेज या सॉन्ग पसंद नहीं है तो डोंट डांस। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऐसे गब्बर के माफिक बांध के रखा है और तुम्हें कहा है कि नाच बसंती नाच। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? और तुमको किसने बोला बीच में आने को? एक मिनट गाइस, एक मिनट, काम डाउन बेबी, जस्ट काम डाउन। इतना ऐसा पंच को हिंदी में क्या बोलता है? कौन सा पंच? फ्रूट पंच? अरे वो जॉइंट सन्स। मुक्का का दूसरा हिंदी वर्ड क्या है? गुस्सा। हाँ दीक्षा बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। रोनी अंकल, गुस्सा नहीं गुस्सा होता है, तू समझा ना। हो जाए इंसान, अब मेरे को अंकल क्या बुलाता है? तू मेरा वो होने वाला जीजा जी ना। मानव, तू नॉट स्मार्ट। मैंने क्या बोला? चुप करो तुम। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। एक मिनट मैन, इधर तुम लोग का झगड़ा सॉल्व करो कि इन लोग का। निशा बेबी, व्हाट निशा? और इसको किसने बोला बीच में आने के लिए? एक्सक्यूज मी, अगर मैं हर्ट होऊंगा तो मैं बीच में आएंगा। और बाय द वे, तुम हमारा राष्ट्रीय भाषा के बारे में बोल रहा है। अगर तुमको हिंदी पसंद नहीं है तो इट्स फाइन, पसंद अपना अपना, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं है तो ये आपका पर्सनल मैटर है। और मैं एक और भी बात बोलेगा, अगर तुम अपना बॉयफ्रेंड को सच्चा प्यार करता है तो जो वो उसको पसंद है ना, वो तुमको भी पसंद आने को मांगता है। ये बेचारा को हिंदी मालूम नहीं कितना अटक अटक के बोलता है, क्योंकि वो जितना तुमको प्यार करता है वो हिंदी भाषा को भी प्यार करता है। रोनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने को ऐसे कम ऑन। अरे एक मिनट मैं कोशिश करता है। ऐना, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ? व्हाट? कब का? हाँ बेबी, मैंने कब कहा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करता है? कब का? हाउ स्वीट, तुमने कब कहा का कब का किया? समझा? एक्चुअली निशा डार्लिंग, मैंने कब कहा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करता है? एक्चुअली तुम मेरे से जितना प्यार करता है ना, उतना मैं हिंदी लैंग्वेज से भी करता है। हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी म्यूजिक भी उतना ही अच्छा है जितना इंग्लिश म्यूजिक। प्लीज डोंट कंपेयर। यू गॉट मैडोना? हाँ वो बात। यू गॉट आशा भोसले? आशा भोसले, ये कौन है? मुझे लगता है तुम्हारा जनरल नॉलेज भी ठीक करने को मांगता है, क्योंकि आशा भोसले इस कंट्री का सबसे वर्सेटाइल सिंगर है। वो रॉक एंड रोल, इंडियन, क्लासिकल, वेस्टर्न सब गा सकते हैं। हाँ, तो तुम डांस करो ना उसके गाने पर अपने इंडियन स्टाइल में। ऑफ कोर्स, मैं आशा था कि कोई भी सॉन्ग पे कैसा भी डांस स्टाइल कर सकते हैं। तुम तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुमको बहुत आता है। एक्चुअली मुझे बहुत आता है। मैं तुम्हारे इंग्लिश सॉन्ग पे इंडियन डांसिंग कर सकता है और हमारा इंडियन सॉन्ग पे वेस्टर्न डांस भी कर सकता है। ओह,
मेरे को भी देखना है कि तुम कैसे आशा भोसले के इंडियन सॉन्ग पे वेस्टर्न डांस करता है। Come on guys, cheer for her. With pleasure. Excuse me. मुझे सिर्फ एक पार्टनर का जरूरत पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ डांस करेगा, मैं बनेगा तुम्हारा पार्टनर। रॉनी, व्हाट आर यू? एक मिनट दीजिए। या तो अपना गर्लफ्रेंड का सोच बदलने को मांगता है या अपना गर्लफ्रेंड। लगता है गर्लफ्रेंड बदलने का टाइम आ गया। आपका नाम? खुद ही पता कर दो। याद आ गया मेरे को लीसा, मेरे को याद आ गया। तुमको याद आया? हाँ। और मैं रोज यही बात को सोच के सोता है जब तुम मेरे को गुड बोल के खराटे मार के सो जाता है। कैसा था ना वो दिन, याद है? मेरे पापा ने तुमको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने भी तुम्हारे पापा को पटाने के बाद ही क्या वो प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य, कीमत, दाम, कोई भी एक फटाफट चूज कर लो। हाँ, मैंने भी तुम्हारे पापा को पटाने के बाद ही दाम लिया था। दम? तुमने मेरे पापा को पटा के ही दम लिया था, क्योंकि उस वक्त रॉनी तुम में दम था, रोमांस था, जो अभी तुम्हें नहीं है। याद है रॉनी, तू मेरे साथ कितना फ्लर्ट करता था, कितना मेरे पीछू पीछू आता था। मेरे को इरिटेट हो रहा था लेकिन मेरे को बहुत पसंद आता था। क्या हुआ रॉनी, वो सब बंद क्यों हो गया? क्यों? फिर शादी हो गया ना। मतलब शादी करना कोई बुरा बात नहीं है। ठीक है, तो फिर थोड़ा टाइम के वास्ते ये सोच लो कि हमारा शादी नहीं हुआ है। रियली? सिर्फ मेरे वास्ते। तुम अक्खा टाइम तुम्हारा ये फेस अपना फन बुक के अंदर घुसेड के रखता है ना, तो अब अपना चेहरा फन बुक से निकाल के अपना लाइफ का बुक के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो। बिफोर इट्स टू लेट मिस्टर रॉनी डिसूजा। बुड्ढा, ये अपना दिमाग के अंदर जो जंग लग गया है ना, उसको मिटाने को मांगता है। दिल का हार्ट बीट फास्ट करने को मांगता है। यंग रॉनी, यंग बनने को मांगता है। यंग। Before it's too late, Mr. Ronnie D'Souza. Buddha? तो बदलिए आप, वरना ऐसी लाठी लेके चलना पड़ेगा। सॉरी सॉरी। हाँ करो। अरे क्या करता है मैन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी रॉनी, क्या है कल वर्षा ने मुझे बुढ़ा बोला ना, तो वो बार बार ऐसे ध्यान बुढ़ापे की ओर जा रहा है। सॉरी। वर्षा ने तुमको बुढ़ा बोला? रो मत मैन, रो मत। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता है। नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, बस ऐसे रोने जैसा लग रहा है।
मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता है, मतलब वो वाला दर्द नहीं मैन, वो वाला दर्द जो होता है लेकिन नहीं होता है, वो वाला। अच्छा वैसे एक्चुअली लीजा ने मेरे को भी बुड्ढा बोला। हाँ रोनी, अरे भावना भाभी ये कैसा अखबार दिया है, एकदम फीका। अखबार मेरा मामा नहीं छापता है मुरली भाई, जो आपकी फरमाइश के हिसाब से खबर डलवा दो। अरे मारा तो आधा घंटा खराब कर दिया, एक भी खबर ढंग की नहीं, ना कहीं लूट खसोट हुई, ना किसी मंत्री ने घोटाला किया, ना कहीं छीना चपटी हुई। अरे कोई मारे जैसे नागरिक की सुबह के बारे में तो सोचे। ओ झालरो, मारी बात का जवाब तो दो, ये बुड्ढों की तरह मुंह लटकाए खड़े हो। बुड्ढा किसको बोला? मैं क्या लूं? किसको बोला? खबरदार हम दोनों को किसी ने बुड्ढा बोला तो पूरा दिन तो ऐसे ये इसका क्या लगता है? लीजा नहीं है। अरे कोशिश करो मैं, ये इसका क्या लगता है? बेटा बेटा। हाँ अच्छा वैसे पूरा दिन ऐसे बेटा रहता है। हाँ ओ झालर, बैठा रहता है, बैठा बैठा का बेटा नहीं चलता है। हा? तुम समझो ना। और ओझांकल आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप बहुत जवान हो। हाँ तो कम से कम अखबार पढ़ के अपना दिमाग तो यंग रखता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। एक्सरसाइज? तुम कब एक्सरसाइज करता है मन? वो देख मारा बेटा मारी जगह वो कर रहा है। मारी बात मानो, वो जो लकड़ी है ना उसकी एक एक छड़ी बना लो, चलने में सहारा होगा। ठीक है। क्या ठीक है? खड़े रहो इधर। चकुड़ी इधर आ। हाँ बा? जा घोटाला भाई के घर जा। तो बरोबर। अरे क्या तो बर इधर, क्या तो बरोबर, तूफान मेल जरा सुन तो ले मैं क्या बोल रही हूँ। सुना तो सही, आपने कहा कि घोटाला भाई के घर जा। धा। अरे बेन मेरे कहने का मतलब था कि घोटाला भाई के घर जा और ये डब्बा उन्हें दे के आ जा। बा मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब। आपको बोलना चाहिए था कि चकुड़ी ये डब्बा ले और घोटाला भाई के घर जाके दिया, और वसंत भैया तो यही है, इन्हें यही दे दिया होता। अरे चकुड़ी ये वसंत भाई के लिए नहीं है, ये वर्षा के लिए है, उसके पैर भारी है, तुझे नहीं पता क्या? मुझे कैसे पता होगा, वर्षा भाभी ने मुझे कभी लात नहीं मारी। अरे वसंत भैया को पता होगा, वसंत भैया वर्षा भाभी के पैर क्या भारी है? नहीं पता नहीं मुझे। मतलब कल मैं वैसे पैर फैला के बैठा था तो वर्षा ऐसे क्रॉस करके जा रही थी तो पैर लगा उसका मुझे, लेकिन ऐसे कुछ फील नहीं हुआ कि पैर भारी है, नॉर्मल है। अरे भावना भाभी का कहने का मतलब है वर्षा माँ बनने वाली है, माँ। हाँ 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 वो ऐसे थोड़ी लो बोलो, ये भूल गए थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं भूल नहीं गया था, बिल्कुल याद है, वर्षा माँ बनने वाली। हाँ 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 भावना आंटी राइट। हाँ बुड्ढे हो गए हैं ना तो दिमाग थोड़ा। अरे शांति रख, तू यहाँ क्या खड़ी है? जाने बहन जाने। रोनी वसंत भाई क्या हुआ, तुम दोनों के मुंह ऐसे दिवेल पीधे जैसे क्यों है? क्या? ओ हमारे गुजराती में है ना ऐसे उदास होते हैं ना तो उसको ऐसे दिवेल पीधेला ऐसा बोलते, लेकिन बताओ तो तुम दोनों के मुंह ऐसे क्यों है, ऐसे रो क्यों रहा है? देख तो ऐसे मुंह खोल के रोता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रोनी क्या हुआ? देख तो अभी मेरे भद्रे जैसा मत कर। एक दिन मैं उसे नींद में खाना खिला रही थी तो मैंने उससे पूछा कि और चावल लाओ, तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो तो औंधे मुंह जब वो दाल में गिरा तब मुझे पता चला कि बाबा तो फिर से सो गया था। अब तू बता तेरा क्या है?
अरे बेटा बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोल। अरे बोलने दो मैन, 5 बार मैंने मुंह खोला बोलने के लिए, बोलने नहीं देता है। बोल, क्या क्या हुआ बेटा? लीजा ने मेरे को बुड्ढा बोला और वर्षा ने मुझे बुड्ढा बोला। ओ बराबर है, लेकिन तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अरे बुड्ढा बोला है हम लोग को, ये रोने का बात है कि नहीं? और ये तो फिर से बाप बनने वाला है। अरे मन से बुड्ढे होने की बात की होगी लीजा और वर्षा ने, ये मुरली भाई के साथ रह रहे के तुम लोग सच में बुड्ढे हो गए हो। अगर यंग रहना है तो यंगस्टर्स के साथ रहो। ए, ए देखो, ए मानव है ना, उसके पास से कुछ टिप्स लो।